एक नगर था, उसमें एक सेठ रहता था। उसके पड़ोस में ही एक गरीब किसान रहता था। सेठ धनी तो था, लेकिन कंजूस था, जबकि गरीब किसान दिल का उदार था। एक बार शाम का समय था, एक मुसाफिर सेठ के दरवाजे पर आया। वो भूखा और खूब थका हुआ था। उसे देखते ही सेठ जी ने गुस्से में कहा, चला जा यहाँ से, मुझसे कुछ मिलने की आशा मत रखना। सेठ जी, मैं बहुत थका हुआ हूँ और भूखा भी हूँ। सर्दी के दिन है, मुझे आज की रात अपने यहाँ आश्रय दीजिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। मुझ पर दया कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मुसाफिर एक ही सांस में ये सब कुछ कह गया। सेठ फिर चिल्लाया, क्या ये धर्मशाला है? तुरंत चला जा यहाँ से, नहीं तो नौकर को बुलाकर तुझे बाहर निकलवा दूंगा। मुसाफिर वहां से निकलकर पास में ही रह रहे गरीब किसान के घर गया और किसान को अपनी समस्या बताई। किसान ने मुसाफिर को आश्रय दिया, उसे अपने साथ बैठाकर प्रेम से भोजन कराया, उसके साथ बातचीत और एक चारपाई पर उसके लिए बिस्तर बिछा दिया। मुसाफिर वहां शांतिपूर्वक सो गया। सुबह होते ही मुसाफिर जागा। जाते जाते दिव्य स्वरूप धारण कर उसने किसान से कहा, मैं मुसाफिर बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ। तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है, सेवा भक्ति में मेरी श्रद्धा बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु। कहकर भगवान अदृश्य हो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। किसान के घर के स्थान पर एक सुंदर हवेली बन गई। जहां पुराना बाड़ा था, वहां एक सुंदर बगीचा बन गया। किसान की हवेली और सुंदर बाग देखकर सेठ को बहुत ईर्ष्या हुई। इस परिवर्तन का कारण जानकर सेठ को खूब पश्चाताप हुआ। वो तुरंत उस मुसाफिर की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर सेठ ने उस मुसाफिर को एक पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा। सेठ दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें महाराज, आप मेरे घर पधारें और मुझे आशीर्वाद दें। भगवान कंजूस सेठ का उद्देश्य समझ गए। वे हंसते हुए बोले, अब मैं तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। सेठ यही तो चाहता था। भगवान ने उसे एक के बदले 3 वरदान दिए। ये सोचकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ घर गया। मैं 3 वरदान क्या क्या मांगू? इसी विचार में उसे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर भी वो कोई निर्णय नहीं ले सका। सुबह होते ही मुर्गा बोल उठा, हे भगवान, इस मुर्गे का नाश हो, इसकी आवाज के कारण मैं शांति से विचार भी नहीं कर सकता। सेठ जोर से बोल उठा। तुरंत ही मुर्गा लुढ़क गया, उसकी आवाज बंद हो गई और वो मर गया। सेठ समझ गया कि उसकी पहली इच्छा पूरी हो गई, पहला वरदान बेकार गया। अब अन्य 2 वरदान मांगने में खूब सावधानी रखनी पड़ेगी। सेठ स्नान करके तैयार हो गया और हल्का सा नाश्ता करके घर के बगीचे में आ गया। वहां एक बेंच पर बैठकर विचार करने लगा कि अन्य 2 वरदानों में क्या मांगा जाए। इसी समय घर पर मेहमान आ गए। नौकर सेठ को बुलाने आया। सेठ ने चिढ़कर कहा, जा, अभी मैं गहन विचार में डूबा हूँ। अभी मेरी इच्छा बेंच पर चिपके रहने की है, अभी मुझे कोई ना बुलाए। थोड़ी देर में सेठानी स्वयं बगीचे में सेठ के पास आईं और बोली, अरे सेठ जी, किस विचार में पड़े हैं?
मेहमान को जल्दी है, जरूरी कार्य है, अंदर चलिए। सेठ गहरे विचारों में डूबा हुआ था, वो कुछ नहीं बोला। सेठानी ने सेठ का हाथ पकड़कर उसे जोर से हिलाया और खींचा, लेकिन ये क्या, सेठ जिस बेंच पर बैठा हुआ था उसी से चिपक गया था। सेठ को भी बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु वो स्थिति को तुरंत समझ गया। निराश होकर सिर पर हाथ मारते हुए बोला, हे भगवान, मैंने अपना दूसरा वरदान भी व्यर्थ गंवा दिया। कैसा वरदान, कैसी बातें करते हो, सेठानी ने पूछा। सेठ ने सेठानी को पूरी बात बताई। सेठ की बात सुनकर सेठानी ने सेठ को उलाहना देते हुए कहा, स्वामी, ये तुम्हारे लोभ का परिणाम है, अब शोक करने का कोई अर्थ नहीं। अब तो एक ही उपाय है, तुम भगवान से अपना तीसरा वरदान मांगकर बेंच से अलग हो जाओ। सेठ को सेठानी की बात उचित लगी। जीवन भर बेंच से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं था। सेठ जोर से बोला, हे भगवान, आप दयालु हैं, मुझे इस बेंच से मुक्त कर दें। ऐसा ही हुआ, सेठ बेंच से छूट गया और सेठानी के साथ घर में गया। इस घटना के बाद सेठ का स्वभाव बदल गया। सेठ अब उदार बन गया था, वह अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में खर्च करने लगा।